गाइस वेलकम टू वी एम नेक्स्टर। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस कल संडे था और कल जो था वो ऑफ डे था, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना सकी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, ठीक हो जाऊँ, बट मैं नहीं हुई। अभी सुबह मैं मतलब रात को सोई हूँ तब भी मुझे चक्कर आ रहे थे, और अभी जब मैं सुबह आई हूँ तो अब फ्रेश हूँ, अब खुश हूँ। मैंने कहा मैं अभी व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया। और अभी जो है वो हमारा ये देखें सिस्टम दो हो गए हैं, पहले एक सिस्टम था तो अब दो करवाए हैं कि एक पे चेक इन हो और एक पे चेकआउट हो, लेकिन अभी जो है वो एक ही लॉगिन है तो इस वजह से एक ही काम हो रहा है, लेकिन अभी एक और लॉगिन बन जाएगा तो फिर हो जाएगा। और जो है वो जब से बड़ी रिसेप्शन आई है तब से जो है सारा कुछ जो है वो स्मूथ हो गया है, और जो है बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ हमारा, ये देखें, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा हमारा जो है वो ऑफिस लगा। और जो है अभी क्या टाइम हो रहा है मैं टाइम आप लोगों को बताती हूँ। अभी 4:54 हो रहे हैं और अभी मैं फ्री हूँ अभी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि अभी जो है ना ये लाहौर में सर्दी शुरू हुई है तो उसकी वजह से तबीयत भी ना डाउन सी हो रही है सबकी, तो ये जो इंसान है ना इसकी भी तबीयत डाउन सी हो गई है और फ्लू हो गया। क्या हो गया सर आपको? बहुत नज़दा है नहीं, और सुबह से इन्होंने ना बोलते जा रहे हैं मुझे फ्लू हो गया, मुझे फ्लू हो गया, मुझे चाय पिला दे, एक डिब्बा खत्म कर दिया किसी को कर दिया, वाकई में खत्म हो गया, बस थोड़ा सा रह गया, होने वाला है खत्म होने वाला है, कोई जुकाम लगा मुझे मैम की वजह से। ओह मेरी वजह से? मैंने आपकी वजह से मेरे, मुझे तो था भी नहीं कि आपको ट्रांसफर होता। मैंने तो आपको चाय भी पिलाई है। हाँ हाँ चाय मैम ने पिलाई है क्योंकि मैम की वजह से मुझे काम लगा। मैं ऊपर गई थी रेस्टोरेंट तो इसलिए मैंने बुलाई है सिर्फ कि मैं ऊपर से जो है इनके लिए इतना तो कर सकती हूँ कि मैं ले आऊँ। कोई मसला नहीं। तो अभी जो है मौसम चेंज हो रहा है, जितने लाहौर वाले हैं वो सारे अपना ख्याल रखें और जो है वो बचें इस मौसम से, ताकि जो है वो तबीयत आप लोगों की ख़राब ना हो। तो जी गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ और जो है वो इवनिंग शिफ्ट आज नहीं आई थी क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में सिर्फ एक बंदा है और जो है वो नहीं आए थे, उनको एमरजेंसी हो गई और मैं जो हूँ रुक नहीं सकती थी और उसकी वजह से सर रुके हैं और बिल्कुल परमिशन नहीं देती कि मैं जो हूँ वो ज़्यादा टाइम लगाऊँ। हाफ एन आवर, वन आवर रुक सकती हूँ लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, तो उसकी वजह से आज सर की तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन जो है वो मुझे उनको छोड़ के आना पड़ा। मुझे थोड़ा सा गिल्टी भी फील हो रहा है कि मैं उनको छोड़ के आई हूँ, लेकिन मामा जो हैं फिर डांटना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से मुझे जो है वो घर आना पड़ा। और आपको जो है वो आज क्या बताया है सारे ऑफिस की रूटीन, तो सोचा था कि घर आके भी आप लोगों को बताऊंगी कि घर आ गई हूँ, तो उसके अंदर ही ये एक चीज़ हो गई, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ। और जो है थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, उन्होंने नेक्स्ट ना जो है वो जॉब पे भी जाना होता है, वो एकेडमी में टीचिंग करते हैं, तो उसकी वजह से मामा की जो है गुस्से की वजह से मुझे आना पड़ा। और अभी मैंने उनको मैसेज भी किया लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे, आई डोंट नो कि वो अभी गए हैं कि नहीं गए। तो अभी के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे, खुदा हाफिज़। और जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बाय।